हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पर्व है, तो ये भाई बहन का पर्व आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। तो चलिए, लेट्स होप आप अपने पर्व को अच्छे से मनाइए। बाकी आज दोस्तों ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, मेरे कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि ये ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, बट क्या काम शुरू करें, किस तरीके से करें, क्या प्रोडक्ट रखें और कहां पर वो सेल कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने किए। तो मैंने सोचा कि चलो उसे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, मैंने इसी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं अपने पास, जो प्रोडक्ट्स को मैं आज आपको दिखाऊँगा और आपको इन प्रोडक्ट्स को देख कर आपको एक फर्स्ट आइडिया मिल सकता है कि आप ऑनलाइन में किस तरह के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, किस तरह के प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग रहते हैं और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में है। तो इसके बाद कुछ आइडिया लेकर आप आगे अपना काम शुरू कर सकते हो और ऑनलाइन में काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। बट दोस्तों, आइडिया तो हर आदमी के दिमाग में आता है, हर बंदा सोचता है कि मैं कुछ ऑनलाइन काम शुरू करूँ, लेकिन बंदा यहीं रुक जाता है कि वो किस आइटम में काम शुरू करेगा, वो आइटम कहाँ से वो कैरी करेगा, उसको कैसे उसको आगे प्रोसेस करना है, कैसे आगे उसको सेल करना है, क्या करना है। तो इन सब चीज़ों में उलझने के बाद बंदा चीज़ों को छोड़ देता है, फिर आगे उस चीज़ पर वर्किंग नहीं करता है। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने कुछ 4-5 तरीके के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। प्रोडक्ट्स मैं आपको बारी बारी से दिखाऊँगा कि ये कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों जगह सेल कर सकते हो, इनकी दोनों जगह ही डिमांड रहती है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों विचार आता है कि भाई हम लोगों को आजकल ये पता है कि भाई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का ज़माना है, लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, हमें भी पता है कि हम चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, सबको पता है कि चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से और बहुत साइट्स हैं जहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब हम लोग परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर सेलर भी होते हैं, जो सेलर होते हैं तभी हम लोग परचेज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जहाँ पर बहुत आप इजी तरीके से किसी भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं कि क्या प्रोडक्ट होगा, किस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे या किस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, तो जनरली हम इन सब चीज़ों में अटक जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही प्रोडक्ट शुरू करने के लिए अभी इस वीडियो को आज बना रहा हूँ। तो लेट्स, जब से पहले तो आप अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो ऑनलाइन में, तो आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट्स आप क्या क्या सेल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपना पहला प्रोडक्ट दिखाता हूँ। जस्ट ये मेरा पहला जो प्रोडक्ट है वो छोटे प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है कीचेन। ये देखिए, ये कीचेन बहुत छोटा सा है, ये देखिए नंबर का है, जैसे ये बी है। तो इस तरीके के बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे, सदर बाज़ार में इस तरीके। ये मैंने वहीं से मंगाया है और इसकी कॉस्ट दोस्तों जस्ट ओनली सिर्फ 5 रुपीज़ आती है। 5 रुपीज़ के इस प्रोडक्ट को आप अगर इंडिया में भी सेल करते हो ऑनलाइन में, तो आराम से आप इसको 25-30 रुपये, 50 रुपये तक ईज़िली आराम से सेल कर सकते हो। और अगर आप आउटसाइड, आउट ऑफ इंडिया की साइट पर वर्किंग करते हो, तो आराम से आप इस प्रोडक्ट को 200-250 रुपये तक भी सेल कर सकते हो। तो जस्ट दोस्तों, इसकी कॉस्टिंग कितनी बताई मैंने आपको, सिर्फ ओनली 5 रुपीज़। 5 रुपये के प्रोडक्ट को आप 50 रुपये का बेच रहे हो, आउट ऑफ इंडिया आप इसको 200 का भी बेच रहे हो, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्जिन होता है इन प्रोडक्ट्स में। दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, अच्छा कीचेन में मैंने कई तरह के मंगाई, ये देखिए जो ट्रेंडिंग है, ये देखिए ये गणेश जी का है, इस तरीके के जो गोड्स वगैरह के बने हुए हैं, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो इस तरीके के भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, जैसे ये हनुमान जी की गदा है, तो इस तरीके के ये सब प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं ये प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करा सकता हूँ और ईज़िली आप इनको बहुत अच्छे पैसों में सेल कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, मेरा जो प्रोडक्ट है वो है, ये देखिए आप,
ये वॉल हैंगिंग सेट है। वॉल हैंगिंग सेट में आप देखिए कितना स्लीक और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप, ये 1, 2, 3, 4, 5 कीज़ का सेट है। ये देखिए, ये सेट आपको जस्ट ओनली 35-40 रुपीज़ के अराउंड मार्केट में मिल जाता है। इसको आराम से आप 200, 250, 300 रुपये तक का ईज़िली आप सेल कर सकते हो। 200 रुपये तक का तो आप ईज़िली खूब आराम से सेल कर सकते हो। आप भी अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो 200 रुपये से कम ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों मैंने एक और भी मंगाया हुआ है, ये देखिए, ये मोम के नाम से है। ये देखिए, इसमें ये मोम छपा हुआ है इसके ऊपर। तो इस तरीके से काफ़ी डिज़ाइंस के आपको मिल जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी ट्रेंडिंग होता है, इसकी आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी डिमांड रहती है, तो आप इस प्रोडक्ट को रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने अगले प्रोडक्ट पर। ये देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप बहुत अच्छे जानते होंगे। ये देखिए, ये दोस्तों ट्रिमर है। ट्रिमर जनरली हम सभी लोग यूज़ करते हैं आजकल। मैं इसको दिखाता हूँ आपको ओपन करके। ये देखिए, ये ट्रिमर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये जस्ट आपकी शेविंग वगैरह को स्मूथ करने के लिए, अपना शेविंग के लिए, या अपना साइड से कुछ हल्का कोई ट्रिमिंग करना है तो उस पर्पज़ के आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और ये सदर बाज़ार से मात्र आपको सिर्फ 75-80 रुपये से मिल जाता है। और इसको आप ईज़िली मार्केट में आराम से 200, 250, 300, 500 रुपये तक भी आप इसको सेल कर सकते हो। ये इतना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को दोस्तों आप यूज़ करो। इस ट्रेड के प्रोडक्ट को आपने ऑनलाइन मार्केट के लिए यूज़ करो। ये बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकता है प्रोडक्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रोडक्ट मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये आप बेसिकली, ये कॉम नहीं है। कॉम होने के साथ साथ ये आपको एक तरीके से ना आपको, ये देखिए दोस्तों, ये आपका मसाज कॉम्बर है। ये देखिए, ये मसाज कॉम्बो है। आपको इसके बीप सुनाई दे रही होगी। इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी बड़े रिलैक्स फील करेंगे। कहीं भी आपको कोई पेन है किसी भी तरीके का तो आप इसको जस्ट रिलैक्स गर्दन में कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पर इसमें बटन होता है, इस बटन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये प्रोडक्ट भी दोस्तों आपको अराउंड 125-130 के अराउंड मिल जाता है। और ये प्रोडक्ट भी आप दोस्तों ईज़िली आराम से इसको 400-500, और आउट ऑफ इंडिया अगर आप बेचते हो तो उसको अराउंड 1000-1500 तक का भी आप ईज़िली आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरीके दोस्तों ये प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स से आप एक अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो ऑनलाइन। और ये दोस्तों प्रोडक्ट्स बहुत ईजिली सदर मार्केट में, दिल्ली में के आसपास सदर मार्केट है दिल्ली में, तो वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आप कहीं बाहर से भी बैठे हुए हैं तो आप ऑर्डर देकर सदर बाज़ार से एक बार आपको आना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट ईज़िली आपको ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जिस भी आप सिटी में रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, जहाँ पर भी आप रहते हो, तो ईज़िली ये प्रोडक्ट्स वो लोग आपको डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेडीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें जस्ट सिंपली मैं आपको दिखाऊं, ये एक माला है। ये माला जस्ट ओनली 20 रुपीज़ की है। इसको आप आराम से मार्केट में 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक की ईज़िली ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ये सभी प्रोडक्ट्स आपको किसी भी आप साइट पर चेक करेंगे, आप अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर या अदर किसी भी साइट पर चेक करोगे तो ये प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर ट्रेंड करते हुए नज़र आएंगे। और जब आप इनकी कॉस्टिंग चेक करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी कॉस्ट में प्रोडक्ट बिकते नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए कितने सस्ते में आप लोगों को सदर बाज़ार से अरेंज हो जाते हैं, और आप ईजीली इन प्रोडक्ट्स पर दुगने, तिगने, चार गुने तक का मार्जिन लेकर आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। और दोस्तों सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर आपको ऑनलाइन काम करना है तो अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर, उसके लिए जस्ट आपको एक GST नंबर लेना होता है जो बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाता है। GST नंबर लेने के बाद और एक अपना बैंक अकाउंट ओपन कराने के बाद ईजिली अपना काम स्टार्ट कर सकते हो।
इसके लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर सब तरीके से आपको गाइडेंस दी जाती है किस तरीके से आपका प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट सेल होगा, पेमेंट्स भी आपकी ईजिली आ जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अपना GST नंबर लेकर रजिस्ट्रेशन कराकर आप ईजिली तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर तो दोस्तों इस तरीके से ये साइट्स मेन जो दो साइट्स हैं, इसके अलावा तो बहुत सारी साइट्स होती हैं, आप वहाँ पर सेल कर सकते हो। मीशो है या अदर्स साइट्स हैं तो जहाँ पर आप सेल कर सकते हो, बट जो मेजर जो साइट्स हैं वो बेसिकली फ्लिपकार्ट और अमेजोन हैं, तो इनके साथ अपना ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों जस्ट एक मैंने आपको स्टार्टिंग के लिए बताया है, इसके अलावा आपको बहुत तरीके हज़ारों प्रोडक्ट्स वहाँ पर मार्केट में मिल जाएंगे जिनको आप सेल कर सकते हो और ईजिली आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स से अपना काम शुरू करिए। अच्छा, दूसरी बात आती है कि आप लोग, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कोई ऐसी साइट बताइए कि जिस पर हम आउट ऑफ इंडिया भी सेल कर सकें। तो दोस्तों आउट ऑफ इंडिया अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो इसके लिए एक मैं सबसे जो बेस्ट साइट है वो आपको बताता हूँ, ETSY एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर ईजिली आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट इंडिया से सेल कर सकते हो और बहुत ही अच्छे प्राइस पर आप उसको सेल कर सकते हो, और काफ़ी लोग इंडिया से उस साइट पर सेल कर भी रहे हैं। तो अच्छा, अगर आपको ETSY के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो अगर आप ETSY के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ETSY के ऊपर आपको एक पूरा वीडियो बना कर दूंगा। ETSY में किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, किस तरीके से उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पर किस तरीके से आप लोग काम शुरू कर सकते हो, तो ये सब डिटेल्स मैं आपको उस वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे आप प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर ऑनलाइन अपना काम आउट ऑफ इंडिया भी शुरू कर सकते हो। तो आप मुझे अगर ETSY के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरीके कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन काम शुरू कीजिए, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई अगर आपको दिक्कत आती है या मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रॉपर आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए, अच्छे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आ सकूँ और आप इस तरीके से तरक्की करते रहें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।